गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम आज के वीडियो में जो स्टडी करने जा रहे हैं तो वो हमारा टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज। विज्ञापन संदेश के प्रकार, विज्ञापन संदेश के प्रकार। देखो स्टूडेंट्स, हम जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है उसके प्रकार के बारे में स्टडी करें, उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने जो स्टडी किया वो था जो विज्ञापन संदेश की भाषा है उसके बारे में, कि जो विज्ञापन संदेश की भाषा होती है वो दो प्रकार से हमने स्टडी किया, वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज, शाब्दिक भाषा और गैर शाब्दिक भाषा। फिर हमने नॉन वर्बल लैंग्वेज की जो टाइप्स है उनके बारे में हमने स्टडी किया। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज, विज्ञापन संदेश के प्रकार। तो देखो स्टूडेंट्स, विज्ञापन के जो संदेश है, विज्ञापन में जो संदेश दिया जाता है उसके दो प्रकार होते हैं। देखो किस तरीके से, नंबर एक, उकसाने वाले या प्रेरक संदेश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पुश मैसेज इंग्लिश में। नंबर दो है आकर्षी संदेश, इंग्लिश में पुल मैसेज। देखो उकसाने वाले या प्रेरक संदेश कौन से होते हैं, ऐसे संदेश जिनमें मध्यस्थों को माल का संग्रह करके ज्यादा से ज्यादा विक्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो मध्यस्थ होते हैं ना उनको, कहने का मतलब माल का ज्यादा से ज्यादा संग्रह करे और उसको ज्यादा से ज्यादा विक्रय करे, उसके लिए उकसाने वाले या प्रेरक संदेश दिए जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इन संदेशों में क्या होता है कि इसके अंदर जो माल का निर्माता है वो अपने उत्पाद को थोक व्यापारी के पास और थोक व्यापारी से उत्पाद फुटकर व्यापारी के पास और फुटकर व्यापारी से उत्पाद कहां पहुंचता है, अंतिम उपभोक्ता या ग्राहकों तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है या मध्यस्थ जो है उन वो ज्यादा से ज्यादा माल का विक्रय करेंगे, उसके लिए उनको प्रेरित किया जाता है, उकसाया जाता है, कहने का मतलब, जिससे क्या होता है कि माल अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच सके, यानी कि जो निर्माता है उसके उसका वो क्या करेगा कि थोक व्यापारी के पास माल को पहुंचाएगा, थोक व्यापारी के पास से माल किसके पास जाएगा, फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी से माल किसके पास जाएगा, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगा। तो यह है कि अंतिम उपभोक्ता तक माल पहुंचाने के लिए निर्माता थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को माल का ज्यादा से ज्यादा विक्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं या उकसाते हैं, जिससे क्या हो कि निर्माता का माल ज्यादा से ज्यादा बिक सके, इसलिए ये उकसाने वाले या प्रेरक संदेश कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें मध्यस्थों की भूमिका, मध्यस्थों की भूमिका ज्यादा होती है इसके अंदर। इसमें जो अंतिम उपभोक्ता होता है या ये कह सकते हो ग्राहक होता है वो माल के बारे में ज्यादा जागृत नहीं होता है, वस्तु के बारे में, उत्पाद के बारे में ज्यादा जागृत नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मध्यस्थ है उनकी भूमिका कम हो जाए, यानी कि ग्राहक जो है अंतिम उपभोक्ता है वो डायरेक्टली खुद
इस विज्ञापन के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि जो उपभोक्ता है वो मध्यस्थों पर कम निर्भर हो जाए और खुद डायरेक्टली उत्पाद के बारे में, सेवा के बारे में जान सके, तभी ये विज्ञापन संदेश कैसे माने जाते हैं, उकसाने वाले या प्रेरक संदेश माने जाते हैं। बहुत सारे उपभोक्ताओं को ये पता नहीं होता है कि कौन सी चीज किस चीज किस आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण है, ज्यादा उपयोगी है, तो इसी विज्ञापन संदेश के माध्यम से उपभोक्ता को जागृत किया जाता है और जो मध्यस्थ है उसकी भूमिका या फिर उसके ऊपर कम से कम निर्भर रहे, मध्यस्थों के ऊपर उपभोक्ता उसके प्रति जागरूक किया जाता है, उसको उत्पाद या सेवा के प्रति कि उपभोक्ता डायरेक्टली जान सके उत्पाद या सेवा के प्रति मध्यस्थों पर कम निर्भर रह सके, इसलिए ये नुकसाने वाले यहाँ पे संदेश माने जाते हैं। अब है नंबर दो, आकर्षी या पूर्ण संदेश। आकर्षी संदेश या पूर्ण संदेश वो होता है जिसके अंदर निर्माता अपने उत्पाद या उत्पाद ब्रांड के लिए, कहने का मतलब थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी तक मतलब मैसेज पहुंचता है और उपभोक्ता उसके बारे में आकर्षित हो सके कि जो निर्माता का उत्पाद या उत्पाद ब्रांड है उसके प्रति आकर्षित हो सके उपभोक्ता, तब ये विज्ञापन संदेश दिए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि जब अच्छा इसमें सबसे खास बात जो होती है वो ये है कि ये संदेश जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति और दूसरा क्रय प्रेरणाओं को जागृत करने के लिए या क्रय प्रेरणाओं को ध्यान में रखकर के ही किया जाता है कि उपभोक्ता जो उत्पाद है या उत्पाद जो ब्रांड है उसके प्रति आकर्षित हो सके। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि जो उपभोक्ता है, इसमें देखो समझने के लिए, जो उपभोक्ता है वो क्या करता है, फुटकर व्यापारी के पास जाता है और क्या करता है, फुटकर व्यापारी के पास उत्पाद या उत्पाद जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट ब्रांड है उसकी क्या करता है, मांग करता है। अब जब उपभोक्ता फुटकर व्यापारी के पास आएगा, प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, तो फुटकर व्यापारी किसको कहेगा प्रोडक्ट के लिए, थोक व्यापारी, किसको कहेगा थोक व्यापारी, और थोक व्यापारी किसको कहेगा प्रोडक्ट के लिए, थोक व्यापारी कहेगा निर्माता को कहेगा। और इससे क्या होगा कि ये पूरी चेन बन जाती है, जिससे क्या होता है कि जो निर्माता है वो अपने माल को आसानी से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है और विक्रय कर सकता है। और अगर हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं ना आकर्षी संदेश का, तो वो है जो इंटेल कंप्यूटर, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इंटेल के जो कंप्यूटर आए थे ना, ये इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यानी कि जो आकर्षी संदेश है इसके अंदर क्या होता है कि जो निर्माता है वो थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय करने के लिए, या फिर ये कह सकते हो कि इसके अंदर उपभोक्ता को आकर्षित किया जाता है माल को खरीदने के लिए। इसमें क्या होता है कि जब उपभोक्ता उस वस्तु के प्रति जानता है या उसको जानकारी मिलती है, तो उपभोक्ता जाता है फुटकर व्यापारी या रिटेल स्टोर जिसको कह सकते हैं, ठीक है, उसके पास जाएगा, फिर वो वहां जाकर के उत्पाद या उत्पाद ब्रांड की डिमांड करेगा, और जब वो डिमांड करेगा तो फुटकर व्यापारी माल किससे मंगवाएगा, थोक व्यापारी से, और थोक व्यापारी किससे मंगवाएगा, निर्माता से। इस प्रकार निर्माता का माल आसानी से उपभोक्ता तक पहुंच जाता है और वो अपने माल को विक्रय करने में सफल होता है। इसमें जो संदेश दिया जाता है वो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति और जो क्रय प्रेरणाएं है, जो मार्क मोटिव्स होती है, उनको आधार मान करके दिया जाता है, कहने का मतलब। तो इस प्रकार से, इसका एग्जाम्पल अगर हम
सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से विज्ञापन जो संदेश है उसके दो प्रकार के बारे में हमने स्टडी किया। नंबर एक, उकसाने वाले या प्रेरक संदेश जिनमें मध्यस्थों की भूमिका ज्यादा होती है, और उनकी भूमिका जो ज्यादा होती है उपभोक्ता के ऊपर निर्भर होता है, और उसकी निर्भरता मध्यस्थों के ऊपर उपभोक्ता कम निर्भर रहे, इसीलिए मतलब ये संदेश दिए जाते हैं उकसाने वाले। इसमें मध्यस्थ तो है वो माल को ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करके उसको बेचे। अब वो बेचेंगे कैसे कि जो थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, वो माल को ज्यादा विक्रय करे और अंतिम उपभोक्ता तक माल पहुंचे। लेकिन मध्यस्थों की भूमिका उपभोक्ता मध्यस्थों पे कम निर्भर रहे, ये भी इसमें विज्ञापन संदेश का अपने आप में उद्देश्य होता है, कम निर्भर होता है, मध्यस्थों की निर्भरता जो है वो कम हो जाए, उपभोक्ता उनके ऊपर कम से कम निर्भर रहे, ये इसका उद्देश्य। आकर्षित क्या होता है, इसमें उपभोक्ता को आकर्षित किया जाता है, उत्पाद या उत्पाद ब्रांड के प्रति कि उपभोक्ता, उस उपभोक्ता के पास विज्ञापन के द्वारा एक संदेश दिया जाता है और उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है, जो क्रय प्रेरणा है उसके उसको आधार मान करके, यानी कि मतलब उपभोक्ता को आकर्षित किया जाता है क्रय प्रेरणाओं को ध्यान में रख करके। और जिससे क्या होता है, जब वो संदेश को पढ़ करके आकर्षित होगा अपने आप में, तो प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट ब्रांड है उसके प्रति तो उपभोक्ता खुलकर व्यापारी या रिटेल स्टोर पर जाएगा, उसकी डिमांड करेगा प्रोडक्ट की, और जब उपभोक्ता ने डिमांड कर दी तो क्या होगा कि जो थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी है वो थोक व्यापारी से प्रोडक्ट की डिमांड करेगा और थोक व्यापारी निर्माता से। इससे क्या होगा कि निर्माता और उपभोक्ता के बीच में, कहने का मतलब, एक संपर्क बनेगा, और जो मध्यस्थ है वो अपना माल बेचने में, निर्माता अपना माल बेचने में सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार वो इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है इंडियन का, इनका मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। जैसे ये जो प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करते हैं तो हर उपभोक्ता नहीं जानता कि कौन सी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करना लाभदायी है, बेनिफिशियल है अपने आप में, ये नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं मध्यस्थों पर निर्भर करते हैं। तो इस विज्ञापन में क्या है, मध्यस्थों की निर्भरता को कम करने के लिए भी ये विज्ञापन दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगले वीडियो में जो स्टडी करेंगे वो है विज्ञापन संदेश के प्रस्तुतीकरण या तरीके।